Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the shifting property of inverse Laplace transform. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सो दिस इज द थ्योरम ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. एंड द थ्योरम इज इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ टी. ठीक है, तो हमें गिवन है कि अगर एल इनवर्स यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस का एफ टी है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए होगा ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी. जैसा हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेते थे e टू द पावर ए टी और एफ टी का, तो हमें मिलता था एफ एस माइनस ए. इस तरीके का याद है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही था. तो ये कुछ उसी तरीके से है, हमको ये लाना है और एल हमारा इधर आ रहा है, एक तरह से एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए और ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी. यही चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करनी है. सो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि ये कुछ उसी तरीके से का है. तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं. तो गिवन है एल इनवर्स एफ ऑफ एस एंड दिस इज इक्वल एफ ऑफ टी. ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, और एफ ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी. ठीक, या इसको फिर हम इस तरीके से लिखते हैं, जीरो टू इनफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी. क्लियर, सो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. तो अगर हम एफ ऑफ एस के जगह एफ ऑफ एस माइनस ए निकालें तो हम क्या लिखेंगे, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, तो ये होगा जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर एफ ऑफ एस में क्या है, यहाँ पे एस है, तो अगर हम एस माइनस ए लिखेंगे तो ई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस एस माइनस ए टी, और ये हो जाएगा एफ टी और डी टी. क्लियर, सिंपल, एस की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, एस माइनस ए. सो एस इज एस माइनस ए, यहाँ भी s को हम लिख रहे हैं s माइनस ए. अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो टर्म यहाँ e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर प्लस ए टी. तो ए टू द पावर प्लस ए टी को हम बाहर लिख लेते हैं, बाहर क्या उसी में होगा, सो ये हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी एफ टी और डी टी. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने ब्रेक कर लिया एस टी माइनस और फिर ये प्लस ई टू द पावर ए टी. अब इसको अगर हम अलग समझें इस तरीके से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये सिंपल क्या है, जीरो टू इनफिनिटी ई टू द पावर एस टी और ये पूरा एफ टी जैसा. सो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी और एफ ऑफ टी. बाय डेफिनेशन हम लाप्लास ऑफ इसको क्या लिखते हैं, ई टू द पावर माइनस एस टी एंड देन पूरा ये आता है उसके बाद डी टी. सो ये होल टर्म इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी. अब अगर हम एल को इधर लेते आए, ये किसके बराबर था, एस माइनस ए के. ठीक है, तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी. ठीक है, तो यही था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, काफ़ी आसान है ये. एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये काफ़ी यूज होगा आगे. अब इसको अगर हम यहाँ प्लस करेंगे तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस प्लस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है,
प्लस में यहाँ पे माइनस आएगा, उसके बाद एफ टी, ठीक है। तो ये इन्वर्स या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को लिख सकते हैं। तो जैसे लाप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आगे आने वाले क्वेश्चन में दिखेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।